हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्ट आर न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज सुंदरी। ओके, ये यूनिट 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अ काइट वाला चैप्टर किया था, वही चैप्टर यूनिट 7 का पार्ट 2 सुंदरी। तो इस चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। रीड करना है स्टोरी को और इन्जॉय करना है। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। तो सुंदरी क्या है, एक बड़ी सी रेड वाइट ब्लू कलर की काइट है। यहाँ पे बिग मतलब बड़ा होता है और रेड वाइट ब्लू ये सारे क्या है, कलर है। और काइट तो आप सबको पता है क्या होती है, पतंग। व्हेन बॉबी मेड हर सी स्माइल्ड एट हिम। और जब बॉबी उसे बना रहा था, मैड मतलब होता है बनाना, जब उसे बॉबी बना रहा था तो जो सुंदरी है वो बॉबी को देखकर स्माइल कर रही थी। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखो ना, बॉबी उसे बना रहा है और जो सुंदरी है वो बॉबी को देखकर स्माइल कर रही है। यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेड। बॉबी बोलता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैं आपको सुंदरी बुलाऊंगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी जो है वो सुंदरी को फेयर में ले गया। फेयर किसे बोलते हैं, मेले, मेले में ले गया। टुक मतलब ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। और मेले में क्या हो रहा था, बैंड जो है मतलब बाजा, बाजो है स्पीकर जो है वो बज रहे थे। प्लेइंग मतलब बजना, बज रहे थे और जो बाग सब लोग थे वो क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। स्माइल मतलब मुस्कुराना। अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। और जो मैरी गो राउंड झूला, जैसे हमने मैरी गो राउंड का एक चैप्टर भी पढ़ा था, है ना, जो स्लाइड होती है, एक झूला होता है ना, जो कैसे घूमता है राउंड राउंड। तो मैरी गो राउंड अपनी हैप्पी लिटिल ट्यून में, मतलब ट्यून मतलब लय में, अपनी लय में जो है वो बज रहा था। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल। और मैरी गो राउंड के ऊपर जो वुडन के एनिमल्स थे, वुडन मतलब लकड़ी, लकड़ी के एनिमल्स थे, उसके ऊपर मैरी गो राउंड ने कैरी किया था, बिठाया था कितने सारे बॉयज को और गर्ल्स को, और वो जो मैरी गो राउंड है वो राउंड राउंड कर रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। और जो बॉबी था वो अपनी खुली जगह को, ओपन प्लेस मतलब खुली जगह को देख रहा था, जहाँ पे वो भाग के अपनी काइट को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, और सुंदरी भी उसे देख रही थी। आउट इन द ग्रास रन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। और बॉबी ने एक ग्रास वाली जगह पे वो गया और वहाँ पे ऐसे भागा और अपनी काइट को ऐसे ऊपर की तरफ उसने होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा ऊपर की तरफ, जितना कि वो ऊपर पकड़ सकता था। पफ द विंड केम अलोंग। इतने में एक हवा का झोंका आता है। पफ मीन्स होता है झोंका और विंड मतलब होता है हवा। तो एक तभी एक हवा का झोंका आता है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। और सुंदरी जो है वो उड़ना शुरू कर देती है। बट शी कुड नॉट टू वेरी हाई। लेकिन जो सुंदरी काइट है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाई। ज़्यादा ऊपर तक वो नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। एक छोटे से डॉग ने सुंदरी की जो टेल है, पूछ है, उसे पकड़ के रखी थी। इट वॉज इन हिज माउथ। अपने मुँह से इस टेल को उसने मुँह में पकड़ के रखा था, इसलिए वो जो
काइट है वो ऊपर नहीं जा पाई। आप पिक्चर में देख रहे हो ना, इस डॉग ने टेल को पकड़ के रखा है। बॉबी शूट द डॉग अवे, फिर बॉबी ने डॉग को शूट किया। शूट मीन्स क्या होता है, भगाना। जैसे हम डॉग को बोलते हैं डॉग शू शू शू, ऐसे डॉग को उसने भगाया। वी विल ट्राई अगेन, हम वापस से ट्राई करते हैं, बॉबी सेड, बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर, और अब की बार जो सुंदरी थी उसने एक छलांग लगाई हवा की तरफ, ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई। यहाँ पे लीप मीन्स होता है उछलना या फिर छलांग लगाना, उछलना। ऐसी वो उछली। शी टग्ड हार्ड, और वो अपने आप को उसने बहुत ही हार्ड, बहुत ही कस के खींचा। टग मीन्स होता है खिंचाव, खींचना, है ना। तो उसने जोर से, एकदम हार्ड से टग लिया। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। उसके बाद वो चाहती थी कि, मतलब काइट चाहती थी कि बॉबी मुझे अपने आप से एक हटा दे, ताकि मैं एक बड़ा टग ले सकूं और उससे दूर जा सकूं। सो यहाँ पे स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, कसना, एकदम कस के उसने खींच रही थी अपने आप को, ताकि वो बॉबी से दूर जा सके। शी गिव अ बिग टग, और फिर उसने एकदम जोर से खींचा अपने आप को, जोर से खींचा। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और फिर बॉबी को भी काइट को जाने देना पड़ा। देखो जब उसने अपना बिग टग लिया, जोर से खींचा, तो जो रस्सी थी वो टूट गई और काइट जो थी वो ऊपर जाने लगी, और बॉबी को भी काइट को जाने देना पड़ा। फिर वी क्राइड सुंदरी, फिर जो सुंदरी थी वो चिल्लाई। कैसे, वी क्राइड मतलब चिल्लाना, तो जो सुंदरी थी वो जोर से चिल्लाई, कैसे करके, वी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब मैं जितनी ऊपर चाहे उतनी ऊपर मैं उड़ सकती हूँ, ऐसा सुंदरी बोलती है। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और फिर वो उड़ गई और एयर के, आसमान के बहुत 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 ही ऊपर वो उड़ गई। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी सुंदरी। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, बैंड, बैंड मीन्स क्या होता है, बाजा। अब है डी आई डबल जेड वाई, डजी, डजी मीन्स क्या होता है, चक्कर आना। फिर स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कसना। टग, टग मतलब खिंचाव। और विंड, विंड मतलब हवा। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, आई फील डजी ऑन अ मैरी गो राउंड, दूसरा है द बैंड वॉज प्लेइंग अ टून। क्वेश्चन आंसर है, रीडिंग इज फॉन, हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया, तो बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने सुंदरी को बनाया था। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों बुलाया था, तो बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइम जो सुंदरी काइट थी वो उड़ गई थी। सो नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, फर्स्ट टाइम है वो बहुत ही ऊपर नहीं उड़ी थी। What made सुंदरी really happy, जो सुंदरी थी वो कब हैप्पी हो गई, तो सुंदरी become really happy when Bobby let her go on fly high in the sky। बॉबी, जो सुंदरी थी वो कब हैप्पी होगी, जब बॉबी ने उसे जाने दिया और उसे स्काई में उड़ने दिया, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट, आपको काइट उड़ाना पसंद है, तो यस आई लाइक टू फ्लाई काइट। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, आपकी काइट्स उड़ाने में कौन हेल्प करता है, तो जो भी हेल्प करता है, जैसे माई ब्रदर हेल्प मी टू फ्लाई काइट्स, माई सिस्टर हेल्प मी टू फ्लाई काइट्स, जो भी है
हेल्प करता है उसका नाम आप लिख सकते हो। लेट्स शेयर, टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द टिक। आपको काइट उड़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की हेल्प चाहिए होगी उस पर आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे स्टिक है, रोलर है, ग्लू है, पेयर ऑफ सीजर है, बास्केट है, पेपर बॉल। तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें रोलर की ज़रूरत पड़ती है, ग्लू की ज़रूरत पड़ती है और पेयर ऑफ सीजर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी बॉल, पेपर, बास्केट, स्टिक ये सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको ये अपनी लैंग्वेज में बोलना है जो भी आप इसको बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेस ओवर द डॉट्स लाइन, आपको ये लाइंस को ट्रेस करना है एकदम डॉट को कंप्लीट करके एकदम लाइन टू लाइन, जिससे सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है एरो किस साइड जा रहा है उस साइड से आपको ये सारी लाइन जो है वो यहाँ पे ट्रेस करनी है। अब है पिक्चर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी है लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको ये पिक्चर देखना है उसके बाद स्टोरी बतानी कि स्टोरी में क्या हो रहा है पिक्चर में, अपनी लैंग्वेज में। पहले क्या है स्टोरी, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। अब हम फर्स्ट पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बारिश हो रही है और एक गर्ल है, उसने छाता लिया है और वो जा रही है। दूसरी पिक्चर में आप देखोगे एक क्रो आता है और उसके छाते को अपनी चोंच से दबा लेता है। थर्ड पिक्चर में अगर हम देखेंगे फिर जो क्रो होता है वो अम्ब्रेला लेकर उड़ जाता है और फोर्थ पिक्चर में वो अम्ब्रेला लाकर एक ब्रांचेस में, एक पेड़ की शाखा में ऐसे उल्टा टंगा देता है और अपने बच्चे को उस छाते के अंदर रख देता है और इससे एक क्रो फैमिली को अपना एक घोंसला मिल जाता है, अपना एक घर मिल जाता है। तो यही थी पिक्चर स्टोरी। अब अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। लेफ्ट पेज में जो स्टोरी थी अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में एक अनुक्रम में इसको अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, जो सेंटेंस है वो ऊपर नीचे लिखा है। सबसे फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये, फर्स्ट नंबर का, इट इज़ रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, सेकेंड नंबर पे ये आएगा, मतलब लड़की के पास एक छाता है। उसके बाद वाला सेंटेंस है अ विंड ब्लो, थर्ड नंबर पे ये आएगा, अ विंड ब्लो मतलब एक हवा चलती है, एक हवा चलती है। उसके बाद कौन सा है सेंटेंस, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, है ना। कौवा जो है वो छाते को लेकर भाग जाता है। उसके बाद वाला सेंटेंस कौन क्या होगा, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, मतलब छाता एक पेड़ से लटका हुआ है। उसके बाद वाला सेंटेंस आता है लास्ट वाला, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, अब छाता अब एक घोंसला है, है ना। तो सबसे पहले इट इज रेनी, द गर्ल्स हैज एन अम्ब्रेला, अ विंड ब्लो, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, मतलब बारिश हो रही है, लड़की के पास एक छाता है, एक हवा चलती है और कौवा छाता लेकर भाग जाता है, छाता एक पेड़ से लटका हुआ है और छाता अब एक घोंसला है।
ये आपको सही अरेंज कर रखना है. अब नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड रेन विंड क्रो नेस्ट इज हैज ब्लोज फ्लाइज. आपको ये सारे वर्ड का यूज करके स्टोरी बोलनी है तो हम इंग्लिश में बोलनी है. तो अब हम पहले हमने हिंदी में कर ली अपनी लैंग्वेज में ओन लैंग्वेज कर ली, अब हमें इंग्लिश में ये स्टोरी बोलनी है तो हम कैसे बोलेंगे. तो आफ्टर सब हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि होल्डिंग एन अम्ब्रेला अ लिटिल गर्ल वॉज वॉकिंग इन द रेन. आफ्टर सम टाइम द विंड ब्लो हार्ड. A crow came and grabbed the umbrella. Grabbed means क्या होता है, हड़पना, इसे हड़प लिया. Grabbed the umbrella by beak, अपनी चोंच से अम्ब्रेला को उसने हड़प लिया. He flew far, far away. He placed the umbrella upside down on one of the branches of a tree. Then he kept his cheeks in the umbrella. That's now the crow family found a nest for themselves. है ना, इससे आपको इंग्लिश में इतना आप इसमें लिख सकते हो, इतना अपनी इंग्लिश में आप बोल सकते हो. लेट्स रीड एंड राइट. तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके दिए, इसको अच्छी फाइन डाइट में ट्रेस करके आपको ये लिखना है जो वर्ड है. जैसे ये है सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, जी आई आर एल गर्ल, एन ई एस टी नेस्ट, टी आर डबल ई ट्री, W I N D wind. ये सारे लेटर्स को आपको अच्छे से ट्रेस करके लिखना है और बोलना है. तो यहाँ पे आपका यूनिट 7 का पार्ट 2 यहाँ पर फिनिश होता है. थैंक यू.